अच्छा अभी चुनाव होने को है ना, छत्तीसगढ़ में भी और भी भारत के कुछ राज्यों में चुनाव होने को है, तो 2023-24 से भी देखें तो विधानसभा के चुनाव ये किन राज्यों में होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में कब होने को है, आचार संहिता कब लगने को है ना, ये बताइए सर। चंद्रयान 3 का सफल अभी अभियान पूर्ण हुआ, आपने देखा होगा लैंडर है ना, लैंडर जब लैंड किया हमारा तो उसके 2.5 घंटे के बाद रोवर जो है वो लैंडर से बाहर निकला। क्या कारण हो सकता है इतना समय? तो एज अ डीसी जब आपको अपॉइंट किया जाएगा तो आप अपनी ओर से क्या प्रयास करेंगे इसके निराकरण के? जीडीपी और जीएनपी, किसी भी देश की जीडीपी का जब हम आकलन करते हैं और जीएनपी का आकलन करते हैं तो नेशनल इनकम के लिए कौन सा एक बेहतर मानक माना जाता है और क्या अंतर होता है दोनों? इज इट अफेक्ट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन? यस सर, ये बिल्कुल अफेक्ट। अपना परिचय दीजिएगा सृष्टि। सर मेरा नाम सृष्टि साहू है, मैं 29 वर्ष की हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं रायपुर से हुई है और मैंने BIT दुर्ग से अपनी इंजीनियरिंग की है, BE सिविल से। अच्छा सृष्टि, पिताजी क्या करते हैं? सर वो गवर्नमेंट सर्विस में। किस विभाग में? वित्त विभाग में है, असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट में। अच्छा। रायपुर में एक समस्या देखी जा रही है भिक्षावृत्ति की, है ना? Yes, ये क्या है और इसको कैसे दूर किया जाए? सर ये क्योंकि थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड थोड़ा सिटी है हमारा, तो मतलब इस वजह से थोड़े स्लम्स का एरिया पड़ जाता है और ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह में भिक्षा मांगते हुए। तो इसका सर उपाय ये है कि जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है कि उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए, तो पहले तो सारी जगह का इंस्पेक्शन होना चाहिए जहाँ पे भी ये सब ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल वगैरह हो गए, और सर वहाँ पे फिर उनको मतलब अवेयरनेस दिलाना चाहिए कि फ्री में एजुकेशन है और पहले आपको प्राइमरी एजुकेशन उन पर कम्प्लीट करवाना चाहिए। और जहाँ तक अगर लाइवलीहुड की बात है तो सर मुझे लगता है कि उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में ये तो बच्चों की बात हो गई है ना, भिक्षावृत्ति में हर वर्ग जी, हर आयु समूह जी, इसमें है जी, हर एज ग्रुप के लोग हैं, है ना जी, यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर के ये बड़े बुजुर्गों तक जी, ये भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं जी। आप रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ में और किस किस शहर में आप गई? सर मैं बिलासपुर में गई हूँ और ज्यादातर तो मेरा रहना यही है, मैं बहुत घूमना फिरना तो मेरा उतना होता नहीं है। रायपुर आप घूमी? सर बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाई हूँ मैं। क्या कभी ये आपको दिखा कि सिग्नल्स में जो होते हैं? जी सर मैंने देखा। वो कभी एक सिग्नल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये कभी आपने देखा कि जो भिक्षावृत्ति में जो लोग लगे हुए हैं जी सर, वो अलग अलग समय पर या कुछ दिनों के बाद वही लोग अलग अलग सिग्नल्स में दिखते हैं? Yes, sir, ये होता है। ये है? Yes, sir. अब इसमें मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, ये केवल रायपुर के ही सिग्नल्स में नहीं, जो लोग रायपुर में इस काम में लगे हुए हैं वो कभी जगदलपुर में, कभी बिलासपुर में, कभी अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में भी यही लोग देखने मिलते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक प्रकार का धंधा, पेशा या कोई गिरोह इसके ऊपर काम कर रहा है, और यदि कर रहा है तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सर इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि कितने कितने कौन कौन से गिरोह हैं, फिर उसके बाद मतलब इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन, और अगर चाहे तो उन बच्चों से ही अगर मतलब जब वो भिक्षा लेने के लिए आते हैं हो सकता है उनको फोर्सफुली ये चीज़ कराया जा रहा हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बच्चे ही इसमें नहीं हैं। अच्छा। हर एज ग्रुप इसमें शामिल है जी सर,
तो सर अगर उनको फोर्सफुली कराया जा रहा है तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करके कि कहीं आपसे ये जानबूझ के या कहीं से हो सकता है उनका एक्सट्रॉशन किया गया हो किसी दूसरे स्टेट से, क्योंकि एक दो जगह मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग राजस्थानी उनकी वेशभूषा रही है और वो बच्चों को लेके भिक्षावृत्ति करते हैं। तो उस मैं वो जानना चाहूँगी कि मतलब कहीं उनको फोर्सफुली उनका एक्सट्रॉशन होके यहाँ पे लेके आया गया है, फिर उसके बाद उसके थ्रू मतलब इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता लगे कि कोई गिरोह का हिस्सा तो नहीं है। और सर मेरी जानकारी में इतना ही। अच्छा, रायपुर के 5 प्राचीन तालाब बताइए। सर कंकाली तालाब है, खोखो तालाब, बूढ़ा तालाब और सर अभी 3 याद आ रहे हैं। तो रायपुर का कुछ इतिहास बता पाएंगे? सर यहाँ पे कलचूरी शासन जो लहुरी शाखा जिसको बोला जाता है उनके द्वारा जो रामचंद्र देव थे उनके बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर इनका रायपुर शहर का नाम पड़ा है। और फिर उसके बाद मराठा शासन इसमें आया तो उसके रायपुर शाखा में अमर सिंह थे, राजा अमर सिंह उनका शासन था। फिर उसके बाद ये ब्रिटिश अधीक्षकों के अधीन आ गया था तो 1818 में ये एगेन्यू जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने इसको रतनपुर से रायपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाया था। और इसके अलावा सर जो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो जो हनुमान सिंह थे उन्होंने मेजर सिडवेल की हत्या की थी, वो नागपुर रेजिमेंट 3rd के वहाँ के हवलदार थे। अच्छा, अभी चुनाव होने को है ना, छत्तीसगढ़ में भी और भी भारत के कुछ राज्यों में चुनाव होने को, तो 2023-24 से भी देखें तो विधानसभा के चुनाव ये किन राज्यों में होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में कब होने को है, आचार संहिता कब लगने को है ना, ये बताइए। सर एक मुझे राजस्थान का याद आ रहा है दूसरा, और इसका आचार संहिता सितंबर के बाद लग जाएगा और इसकी इलेक्शन जनवरी नेक्स्ट ईयर में शेड्यूल है 2024। अच्छा, क्या होता है आचार संहिता? सर ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस होती है जिसके थ्रू मतलब ये देख उनको जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके गाइडलाइंस होती है कि आप कुछ भी तरीके से ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें अपने प्रचार प्रसार के समय जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट का इशू हो और या फिर कोई कम्यूनल वायलेंस का टेंशन हो। भले आप प्रचार प्रसार अपना सुचारू रूप से कर सकते हैं लेकिन इन सबको अवॉइड करने का उनका वो है गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप का विवाह हो गया है? नहीं हुआ है। यदि आपकी शादी होती है, आप ऐसे परिवार में जा रही हैं जहां पे आपके सास ससुर ये IAS हैं, आपके जेठ और जेठानी ये भी IAS हैं, आपका पति भी जो है वो IAS है, आपको जाने के कुछ समय के बाद ये लगता है, ये समझ आता है कि एक कहीं ना कहीं फैमिली का जो स्टेटस है उसको थोड़ा देखते हुए आपकी जेठानी ये कुछ समय से ये डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा से पीड़ित है, लेकिन घर के स्टेटस को ध्यान में रख करके वो इस चीज को कहीं ना कहीं पे अपना वॉइस रेज नहीं कर पा रही है, आप इस पर क्या करेंगे? सर डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है और ये वुमेन के लिए बहुत ही डिग्रेडिंग रिमार्क है। तो मैं पहले तो घर पे ही मैं बात करना चाहूंगी उनसे और पहले तो मुझे ये पता चले कि वो डोमेस्टिक वायलेंस सच में मतलब ये हो रहा है कि नहीं उनके साथ में, और फिर उसके बाद मैं अपने परिवार में पहले बात करना चाहूँगी कि मैंने ये चीज़ें देखी। और फिर भी अगर वो बहुत उनके साथ कंटिन्यू होता है तब मैं इधर लॉ की तरफ जाके उनकी हेल्प करना चाहूँगी। लेकिन वो नहीं करना चाह रही है, मैं उनको वो किसी प्रकार का कहीं कोई कंप्लेन कुछ भी नहीं करना चाह रही है। सर मैं पहले उनको ये रियलाइज़ करवाऊंगी मॉरली कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है और जितना हो सके मैं उनको सपोर्ट देना चाहूंगी मॉरली कि ये, और मैं ये उनको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि मैं उनके साथ हूँ हर एक स्टेप में, चाहे मुझे अपने परिवार के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। तो उनको मैं परसुएड करना चाहूंगी कि इस डायरेक्शन में आप काम मतलब आए सामने और अपनी समस्या को बताएं, और अगर ये हो रहा है तो मैं बिल्कुल एक लीगल प्रोसीजर की तरह उनकी हेल्प करना चाहूँगी। सुश्री जी, राज्य वित्त आयोग के कल ही नवनियुक्त अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जानकारी संबंध में?
सर योजना आयोग का पढ़ा था, राज्य वित्त आयोग। अच्छा, कार्य क्या होता है वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का? सर पहले तो ये जो बजट एलोकेशन का जो काम है वो विभिन्न डिपार्टमेंट का उनका पूरा, और दूसरा एक ऑडिट करते हैं वो लोग सारा जो जो भी मतलब रिसीट हो गया या वो सारे काम, मुझे बस इतनी याद। अच्छा, सरपंच पतिवाद क्या होता है? सर उसका मतलब ये कि जैसे किसी जगह महिला सरपंच अगर वो इलेक्ट हुई हैं लेकिन वो काम नहीं करके, उनके ज़्यादातर देखा गया कि मतलब वो थोड़ी सी अंडर हो जाती हैं और उनके जगह जो उनके हस्बैंड हैं वो। तो एज अ डीसी जब आपको अपॉइंट किया जाएगा तो आप अपनी ओर से क्या प्रयास करेंगे इसके निराकरण के लिए? सर पहले तो मैं जाकर देखूंगी कि ये सही में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, और जहाँ मुझे पता चलता है कि ये ऐसा हो रहा है बिल्कुल, तो मैं उस जगह में जाऊंगी, इंस्पेक्शन करूंगी और फिर मैं ये देखूंगी कि वो उन महिला से बात करूंगी कि आप क्यों नहीं आगे जाती हैं। और जैसे कि सर मेरा हिसाब से मैं जो पंचायत की जैसे सीरीज दिखाई गई उसमें, और उसमें दिखाया है कि किस तरीके से वो भी बाद में आके मतलब उनको रियलाइज़ हो जाता है कि मैं इस पोस्ट में हूँ उसके बावजूद मेरे हस्बैंड वो आ रहे हैं, तो मैं उस तरीके से उनको दिखाने की कोशिश करूँगी कि देखो आजकल ये भी मतलब आपका वो काम है और आप ही उस पोस्ट में हैं, आप ही वो एलिजिबल थी इसलिए आपका पोस्ट आया है, और बाकी जो गाइडेंस के लिए तो वो पूरी तरीके से उनको सपोर्ट किया जाएगा, चाहे वो कुछ थोड़ी सी भी चीज़ें उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी नॉलेज ना हो या कुछ भी उनको काम का नॉलेज नहीं हो, फिर भी उनको जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो रहते हैं जैसे कि सचिव वगैरह हो गए, वो उनको पूरी तरीके से एड करेंगे उनके काम में, और क्योंकि वही जनता ने उनको ही उनके नाम पर ही चुना है उनको, तो उनको ही काम करना चाहिए, मैं उनको इस तरीके से मॉरली पर्सुएड करना चाहूँगी। ठीक है, चंद्रयान 3 का सफल अभी अभियान पूर्ण हुआ, आपने देखा होगा लैंडर है ना, लैंडर जब लैंड किया हमारा तो उसके 2.5 घंटे के बाद रोवर जो है वो लैंडर से बाहर निकला, क्या कारण हो सकता है इतना समय क्यों लिया? सर वहाँ चंद्रमा में जो ग्रेविटी है वो छत्तीसगढ़ से काफी कम है, और वो छत्तीसगढ़ बोले सॉरी अर्थ से कम कम है, और क्योंकि वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होता है तो विजिबिलिटी भी नहीं रहती, और उस समय अगर हम रोवर को लैंड करवाते तो ये तकनीकी प्रॉब्लम हो सकती थी उसमें कि डस्ट पार्टिकल है और कुछ ना कुछ फेलियर के चांसेस हो सकते थे, तो जब तक वो सेटल नहीं हो गया सही टाइम पे देख के फिर उसको रोवर को उतारा। कितने दिन का इनका टाइम पीरियड है वहाँ पर एक्टिव रहने का? सर वो एक लूनर डे बोला जाता है जो मतलब सॉरी अर्थ में 28 दिन के करीब होते हैं, तो उसमें 14 दिन का समय क्योंकि वो लाइट उसी समय सन का रीच वहाँ पर पहुँचता है, तो इसलिए 14 दिन वो अपना सारा इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी ब्रिक्स समिट चल रहा है, जानकारी होगा आपको इस समय? हाँ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। कौन से क्रम का है ये? सर क्रम याद नहीं मुझे। चलिए, ब्रिक्स साइडलाइन में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कौन से देश के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ मुलाकात की गई? ब्रिक्स में, हाँ ब्रिक्स के साइडलाइन में ही कौन कौन से देश के राष्ट्र प्रमुखों के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात किया? तो शी जिनपिंग हो गए और साउथ अफ्रीका के, नहीं नहीं वो तो साइडलाइन में कह रहा हूँ, मतलब जो मेंबर्स नहीं है ब्रिक्स के ऐसे राष्ट्र अध्यक्षों से भी प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात किया। चलिए, दर्शन को सभी विषयों की जननी क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि वो कोर है सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग का, मतलब मतलब उसी का मतलब ही यही होता है कि ज्ञान मतलब फिलॉसफी जो हम बोलते हैं, लव फॉर थर्स्ट फॉर नॉलेज, और किसी भी एक सब्जेक्ट का कोर ही होता है कि नॉलेज को ही इम्पार्ट किया जाए सबसे, तो मुझे लगता है इस वजह से। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा, GDP और GNP किसी भी देश की GDP का जब हम आकलन करते हैं और GNP का आकलन करते हैं तो नेशनल इनकम के लिए कौन सा एक बेहतर मानक माना जाता है और क्या अंतर होता है दोनों? सर GNP बेहतर मानक मतलब बेहतर होगा उससे, GDP में जितने रेसिडेंट्स जो रहते हैं चाहे वो यहाँ के सिटीजन हो या ना हो उनकी भी इनकम कैलकुलेट की जाती है, लेकिन GNP में जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको हटाया जाता है, और इस वजह से जो सिटीजन्स की बेसिक इनकम है उसको का आकलन होता है, तो मुझे लगता है कि मतलब GNP ही बेटर पैमाना है पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट। सृष्टि, करेंटली गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस अ न्यू बिल about the procedure of new election commission appointment. Yes. Did you know about that? Yes.
प्लीज टेल मी। सर इसमें इलेक्शन पहले इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के से ही करते हैं। इन व्हिच आर्टिकल? जी लेट मेंशन कौन सा आर्टिकल है सर? ये आर्टिकल 324। एनी सब क्लॉज सर? ओके फाइन कंटिन्यू। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर का अपॉइंटमेंट है और ये डेमोक्रेसी के मतलब वॉलमार्क की तरह है, तो इसलिए उनका जो अपॉइंटमेंट है उसमें मतलब किसी भी तरीके से डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का सजेशन ये था कि उनके अपॉइंटमेंट में एक पैनल के थ्रू होना चाहिए, उसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक बिल पास किया, उसमें कैबिनेट को सीजेआई को हटा के कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करने का उन्होंने बात। इज इट अफेक्ट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन? यस सर, ये बिल्कुल अफेक्ट करेगा। ये एक तरीके से यही हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जज को थोड़ा नलीफाई करने की तरह हो गया, क्योंकि अगर सीजेआई होते जज होता तो एक इंडिपेंड मतलब एक फेयर एंड जस्ट अपॉइंटमेंट का चांस होता। लेकिन अगर कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही होंगे तो 2:1 का रेशियो होगा और मेजॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो ऑब्वियसली इन डेमोक्रेसी पावर विल गोस ऑलवेज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। सर डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि एक ही, हाँ इलेक्टेड हैं, लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मतलब पूरा ही पावर कंसंट्रेट उनके हाथ में हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लियर प्रोविजन तो है नहीं, आर्टिकल 324 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 इसके बारे में कुछ नहीं कहता। सर भले वहाँ पर एक ही सिंगल वर्ड है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यस सर, तो नथिंग एल्स सर। लेकिन अगर डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग यही जाना जाए तो उसमें हर एक मुझे लगता है कि हाँ ये इलेक्ट होते हैं डायरेक्ट, लेकिन मतलब स्कोप होना चाहिए कि ताकि वरना वो ऑटोक्रेसी की तरफ चला जाएगा, एक ही पावर सिंगल पार्टी रूल, जैसे कि हम चाइना में भी देखते हैं। इट्स नॉट अ सिंगल पार्टी रूल। हाँ सर सिंगल पार्टी पर मेजॉरिटी में अभी ये रूल हो रही है। ओके फाइन, इन लोकसभा सिंगल पार्टी इवन से इन राज्यसभा इट्स डिपेंड ऑन द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट। बीजेपी हैव नो मेजॉरिटी इन राज्यसभा। यस सर, लेकिन सर थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंसी जो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से मतलब ये डेमोक्रेसी को ही अपहेल्ड करने की एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसके अपॉइंटमेंट में जो थोड़ी बहुत अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स से अगर थोड़ी, क्योंकि अमेंडमेंट का स्कोप देती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें मुझे लगता है मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को थोड़ा सा मैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्यों है? अभी तो सिर्फ बिल है सर, वही क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा उनके अपॉइंटमेंट में, बस इस वजह से कॉन्ट्रोवर्सी है। तो एज योर सजेशन वहाँ पर सीजीआई होनी चाहिए। हाँ सर मुझे लगता है। फाइन थैंक यू। किमरेला प्रस्तुत करती है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल पर। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लास के लिए डाउनलोड करें रेला राजपूत ई लर्निंग ऐप या हमें फोन करें दिए गए फोन नंबर पर 7089040001 8817224482। ज्योतिषी में कितना विश्वास रखती है, राशियां कितनी होती है, स्टोन्स कितने प्रकार के होते हैं, नक्षत्र सबसे बेहतर कौन सा होता है, फिर उसके बाद पूरे ज्योतिषी को लेकर के आपसे सवाल हो सकते हैं। तो यदि कहीं पर बहुत ज्यादा उसका यदि इम्पोर्टेंस ना हो तो ये आप निकाल दीजिए। ठीक, उसके अलावा जो है मेरे को ऐसा लगता है कि जो सैंडल है वो चेंज करना चाहिए आपको, है ना। सूट पहन रही है साड़ी पहन? साड़ी पहन के। साड़ी ही पहन रही है। घड़ी भी चेंज करेंगे? हाँ सर, वो पतला वाला पहनूंगी। तो वो थोड़ा सा वहीं पर रिक्वायर्ड है थोड़ा सा जी। उसके अलावा मेरे को ये लगा कि धीमा है थोड़ा सा आपका जो इंटरव्यू रहा ना वॉइस, ये काफी धीमा आ रहा है। बैलेंस तो है लेकिन क्लियर नहीं है। बहुत अच्छा क्लैरिटी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूं, मेरे कॉन्सेप्ट शायद क्लियर नहीं सृष्टि जी, वॉइस ही थोड़ा सा धीमा आ रहा है। अच्छा जो सुनने में आ रहा है ना जी, वो एकदम धीमा हो जा रहा है। एक तो ये पहला चीज हो गया। रायपुर को लेकर के थोड़ी और जानकारी,
ये होनी चाहिए, ऐसा लगा मेरे को। फिर उसके बाद में भिक्षावृत्ति को पूछना या पांच प्राचीन तालाब पूछना, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप कितने क्विक हैं, कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे आपने बोलते बोलते में आपने अर्थ की जगह पे पृथ्वी की जगह पे आपने छत्तीसगढ़ बोल दिया, ठीक है, और उसके बाद आपसे हंसी भी निकल गई। तो ये क्या है ना, ये सही साइन नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाए तो वहां पर जो रिस्पॉन्ड आता है ये सही नहीं है। मेरी गलती हुई है तो मुझे नहीं, सॉरी तो ठीक है, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए। आपको 20 ध्यान नहीं है, आपको फोकस्ड होना है, ठीक है। ये कौन सा इंटरव्यू है? फर्स्ट है। तो देखो, ये अभी एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, इसको जाने नहीं दे सकते, है ना। 20 मिनट अपना बेस्ट हम निकाल के देंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन हो सकता है, ठीक, जिससे पूरा आगे का करियर संवर सकता है। तो हम इसको बिल्कुल भी जाने ना दें, हम अपने बायोडाटा पे प्रॉपर अच्छे से काम करें। यदि बायोडाटा अच्छा है, ये मंडला कला जो है हॉबी आपकी, अब चूंकि क्वेश्चंस रायपुर से निकल रहे थे इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जा पाया, इसकी भी तैयारी अच्छी रखिएगा। इसको जितना अच्छे से आप भर सकती हैं, भरना इन द सेंस सुंदर अक्षर में, अच्छे इंक वाले पेन से, ताकि आपका लिखावट, आपका प्रेजेंटेशन, आप जो यहाँ पे दे रही हैं, इससे पहला इम्प्रेशन जो है ना वो अच्छा हो, है ना। अब 17 में आपका इंजीनियरिंग हुआ है और 17 से लेकर के अभी तक आप क्या कर रही हैं, है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो वो आपको जस्टिफाई करना होगा, क्योंकि 6 साल का गैप है ये, है ना। और गलत जवाब देने से बचना है, हंसना नहीं है, स्माइल ठीक है लेकिन हंसना नहीं है, ठीक। करंट अफेयर्स पे और रायपुर पे और थोड़ा काम करना है। सर, ये रायपुर का स्टैटिक और वो जो मतलब मेजर इश्यूज हैं वो दोनों को ही मेरा सुझाव ये रहेगा, सबसे पहले तो आप रायपुर के वेबसाइट को आप अच्छे से पहले देख लीजिए। जी सर। रायपुर डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट है जी सर, उसको अच्छे से आप देख लीजिए। जी सर। ठीक। उसके अलावा जैसे रायपुर के आसपास के जैसे 5 प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, ठीक, इतिहास से जोड़ करके है, तो वो थोड़ा सा रायपुर के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत में पिताजी आपके जो है वित्त विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर के, छत्तीसगढ़ के मतलब इकोनॉमी को लेकर के वो थोड़ा सा एक जानकारी आपके पास रहे, है ना। तो ये थोड़ा सा इन चीजों पर काम करिए, ये मैं भिजवा दे रहा हूँ, आप इसका फोटो ले लीजिएगा, है ना। हमारी शुभकामनाएं।